हमसे 70 करोड़ किलोमीटर दूर एक समंदर है। यह समंदर 20 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह में लिपटा हुआ और औसतन 100 किलोमीटर गहरा है। इसमें इतना पानी है कि हमारी दुनिया के तमाम समंदर इससे कम से कम 2 मरतबा भरे जा सकते हैं। जब इतना पानी है तो फिर क्या इसमें हमारे समंदरों की तरह बड़ी बड़ी वेल मछलियां भी होंगी या फिर छोटी छोटी मछलियां? मगर इतने ठंडे समंदर में सूरज से 80 करोड़ किलोमीटर दूर जिंदगी कैसे मुमकिन है? और अगर है भी तो हम इतनी मोटी बर्फ की तह के नीचे कैसे झांकेंगे? कौन पागल हैं जो ऐसी मुहिम जोई सोचते हैं? मैं हूं फैसल उड़ाइज और देखो सुनो जानो की कुल कायनात सीरीज की 8वीं किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। किसी उम्र रसीदा बूढ़े के जहांदीदा चेहरे जैसा ये टेक्सचर, मुश्तरी के चांद यूरोपा की सतह सरफेस है। इसको गौर से देखें, बल्कि इस एंगल से देखें। यूरोपा की बर्फीली सतह से फूटते फुव्वारे कई कई किलोमीटर ऊपर तक चले जाते हैं, बल्कि इनके बुखारात खला में बिखर जाते हैं। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट, जिसकी कहानी हम आपको 6ठी किस्त में दिखा चुके हैं, जब यूरोपा के बहुत करीब परवाज कर रहा था तो वो इन पानी के बुखारात में से गुजरा था, जिससे हमें पता चला कि ये बिल्कुल पानी जैसे कतरे ही हैं। लेकिन वो तो महज इत्तेफाक था। अब इस पानी को बाकायदा साइंटिफिकली चेक करने के लिए और इसमें ज़िंदगी के आसार तलाश करने के लिए नासा का एक नया मिशन, स्पेस मिशन तैयार हो रहा है। इस मिशन का नाम है यूरोपा क्लिपर और इसे 2023 से 25 के दरमियान लॉन्च किया जाएगा। फिर 3 से 6 साल में करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करके ये जुपिटर सैयारे मुश्तरी के करीब पहुंचेगा। यहां से ये जुपिटर के चांद यूरोपा के गिर्द 45 चक्कर लगाएगा। लेकिन इन तमाम चक्करों में ये यूरोपा की बर्फीली सतह के बहुत करीब होगा और अनगिनत लातादाद तस्वीर लेकर डीप स्पेस नेटवर्क से ज़मीन पर भेजेगा। क्लिपर स्पेसक्राफ्ट बगैर लैंड किए यूरोपा की सतह से निकलने वाले फव्वारों के कतरों को, ड्रॉप्स को साइंटिफिकली टेस्ट भी करेगा कि आया ये वाकई हमारे अंदाजों के मुताबिक H2O ही हैं। और ये है वो स्पेसक्राफ्ट जो ये सब कुछ करेगा। आप ज़रा गौर से देखिए, ये अभी तकमील के मराहल में है, इसकी फिनिशिंग हो रही है, लेकिन हम आपको इसकी मुख्तसर सी सैर करवाते हैं। यूरोपा क्लिपर के ये लंबे बाजू दरअसल सूरज की शुओं से तवानाई लेने के लिए हैं। इसी एनर्जी से, तवानाई से ये स्पेसक्राफ्ट काम करते रहने के काबिल होगा। ये लंबी रॉड्स वो रेडार हैं जो यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे रेडियो वेव्स भेजकर मालूम करेंगी कि बर्फ की तह कहां से कितनी मोटी है। इस मोटी बर्फीली तह के नीचे और इसके अंदर छुपा हुआ कितना पानी है। इसके नीचे, इस स्पेसक्राफ्ट की निचली सतह पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा नस्ब है। यह कैमरा एक खास कैमरा है जो स्टीरियोस्कोपिक यानी 3D टाइप इमेज बनाता है, जिसमें सीन की डेप्थ भी दिखाई देती है जैसे 3D फिल्म्स में होता है। क्लिपर स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के गिर्द चक्रों के दौरान इससे तस्वीर बनाएगा, जिससे हम इस चांद का एक तफसीली नक्शा बना सकेंगे। इसी नक्शे को सामने रखते हुए और पुराने नक्शे को देखते हुए ये पता चलेगा कि इतने बरसों में यूरोपा की सतह पर क्या तब्दीलियां आई हैं। और ये बहुत वाज़े और बड़ा वो एंटीना है जिसके ज़रिए कैमरे और सेंसर्स की तमाम मालूमात डीप स्पेस नेटवर्क से ज़मीन पर पहुंचेंगी। तो दोस्तों, मुख्तसर ये कि इस स्पेसक्राफ्ट पर मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स समेत कुल 9 आलात लगाए जा रहे हैं, जिनका अल्टीमेट मकसद एक ही है, ये जानना
कि क्या यूरोपा की सतह के नीचे कोई जिंदगी मौजूद है, इसकी बर्फीली तह के नीचे मछलियां तैर रही हैं या नहीं, और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर वो कौन सी जगह है जहां हम लैंड कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ फ्लाई बाई मिशन ही नहीं बल्कि एक लैंडर मिशन भी प्रपोज्ड है। ये लैंडर तजवीज़ के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और फिर अपने सिस्टम से यूरोपा की बर्फीली सतह पर एक केकड़े की तरह गिरेगा। यहाँ इसके लंबे लंबे बाजू बर्फ को कुरेद कर इसमें बायोसिग्नेचर यानी जिंदगी के आसार तलाश करेंगे, क्योंकि अगर अब तक की तहकीक के मुताबिक यूरोपा की सतह के नीचे नमकीन पानी का बहुत बड़ा समंदर है और इसमें ज़िंदगी का इम्कान है, तो फिर इसकी सतह पर भी इसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप देख चुके हैं कि यूरोपा का समंदर इसकी बर्फीली सतह से फव्वारों की तरह फूटता रहता है और इसका पानी इस बर्फ़ पर गिरता रहता है। लेकिन मसला ये है कि इस लैंडर के लिए नासा की पॉकेट मनी शॉर्ट हो गई है। लैंडर के शामिल हो जाने से इस मिशन की लागत बहुत बढ़ जाएगी और इस पर $2 अरब 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च उठेगा, इसलिए फ़िलहाल ये मिशन पैसे इकट्ठे करने के मिशन पर है। लैंडर के बाद तीसरा प्रपोज्ड मरहला है यूरोपा के समंदर में आबदोज उतारना। ये आबदोज इसी लैंडर का हिस्सा होगी। इसे यूरोपा के गहरे ठंडे समंदर में उतारने के लिए पहले 20 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह को चीरना होगा, फिर इसके नीचे मौजूद उस समंदर में जाना होगा जिसकी औसतन गहराई 100 किलोमीटर है। ये गहराई हमारे ज़मीनी समंदरों से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ज़मीन पर सबसे गहरी जगह भी, जैसा कि आप जानते हैं, मारियाना ट्रेंच है, जो 11 किलोमीटर से कुछ ही गहरी है। तो इतने गहरे समंदर में जो भी सबमरीन आबदोज भेजी जाएगी वो इस काबिल होनी चाहिए कि मिलियंस ऑफ किलोग्राम, दसियों लाखों किलोग्राम पानी का दबाव बर्दाश्त कर सके और इस दबाव में इसके आलात भी बिल्कुल दुरुस्त काम करें। अब देखें कि हमारी ज़मीन के समंदरों में आम तौर पर जो सबमरीन्स तैरती हैं वो सतह समंदर से सिर्फ चंद 100 फीट ही नीचे काम करती हैं, और इसके लिए भी अमेरिका और रूस में मुकाबला रहता है कि कौन दूसरे से महज चंद फीट और गहराई में तैरने वाली आबदोज बना ले, क्योंकि समंदर में जितना नीचे जाते हैं पानी का दबाव उतना ही ज़्यादा होता चला जाता है, जिसके लिए आबदोज की बॉडी और दूसरे आलात उतने ही सख्त जान बनाना पड़ते हैं, यानी जितनी ज़्यादा गहराई उतनी मजबूत आबदोज चाहिए। अब ज़रा कंपैरिजन करें, कहाँ हमारे समंदरों की मैक्सिमम 11 किलोमीटर गहराई और कहाँ यूरोपा का 100 किलोमीटर गहरा समंदर, फिर इस पर 20-25 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह का वज़न अलग। इतना दबाव बर्दाश्त करने वाली आबदोज बनाने का तो कभी इंसान ने सोचा भी ना होगा, लेकिन अब ना सिर्फ सोचना है बल्कि बनाना भी है, यानी एक नई ईजाद करना होगी जो यूरोपा के समंदर की सर्दी और गहराई में काम कर सके, वहाँ रोशनी करके तस्वीर बना सके, वहाँ के पानी को टेस्ट कर सके और फिर तमाम मालूमात ज़मीन पर भेज सके, और इस सब के लिए तवानाई भी यूरोपा को वहीं से हासिल करना होगी, क्योंकि ज़मीन से तो इतना ज़्यादा फ्यूल या बैटरीज साथ नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि जिस रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट को खला में भेजा जाता है उसे एक ख़ास हद से ज़्यादा वज़नी हैवी नहीं किया जा सकता। फिर ये सब कैसे होगा? बज़ाहिर कितना मुश्किल काम लगता है, लेकिन दोस्तों आसान काम करना किसे है? मुश्किलों से गुजरने वाले, मुश्किलों से खेलने वाले ही तो नए रास्ते तलाश करते हैं और सबसे पहले इसके लिए प्लानिंग करते हैं। जब यूरोपा मिशन की एक सीनियर साइंटिस्ट ऑस्ट्रोबायोलॉजिस्ट मॉर्गन केबल से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर नासा समेत बहुत से दूसरे इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं,
जिन टेक्निक्स पर काम हो रहा है उनमें से एक ये है कि सबमरीन जो बनाई जाएगी उसकी टिप को मुसलसल गर्म रखने की टेक्निक अपनाई जाएगी ताकि वो बर्फ़ को आसानी से काटती हुई नीचे चली जाए। फिर एक बहुत लंबी और मज़बूत केबल के ज़रिए इस आबदोज़ की तस्वीर और मालूमात ऊपर मौजूद लैंडर तक जाएंगी, वहाँ से स्पेसक्राफ्ट और फिर हमारी ज़मीन। There's one that's, we call it a melt probe. It's something that would have a heated tip. There are a bunch of different ways you can do that, that would slowly melt away or sublime if you're in a vacuum, right? The solid would just turn into water vapor and go away. You can use that to get... इनकी ये गुफ्तगू इसी साल मार्च की है, जिससे जाहिर होता है कि अभी नासा कुछ जाहिर नहीं करना चाह रहा, इस टेक्नोलॉजी को कुछ छुपा रहा है। शायद वजह यह हो कि यूरोपा लैंडर मिशन के लिए अरबों डॉलर्स के फंड्स चाहिए, जिनका कुछ हिस्सा अभी हासिल करना बाकी है। अगर टेक्नोलॉजी फाइनल होने से पहले इमैच्योर नामुकम्मल आइडिया के तौर पर लीक हो गई तो मुखालफिन के हाथों एक इशू आ जाएगा और मुतनाज़ा होकर यह मामला फंड्स की बंदिश का बायस भी बन सकता है, फंड्स रुक भी सकते हैं। इसलिए शायद कुछ माह और नासा अपनी तैयारी छुपाएगा और फिर शायद बताएगा। लेकिन इंसान के तखय्युल को क्या कीजिए कि इसने तो तब से परवाज भरना शुरू कर दी थी जब यूरोपा की सतह के नीचे समंदर की अभी बात शुरू हुई थी। 2013 में इसी तसव्वुर पर एक फिल्म यूरोपा रिपोर्ट बन चुकी है, जिसमें एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का एक ग्रुप यूरोपा पर उतरा, लैंडिंग की, उसने वहाँ ज़िंदगी की कामयाबी से तलाश की और कहानी के मुताबिक उन्होंने जाने भी दी। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ पसंद करते हैं तो यूरोपा रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। इसके साथ आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट्स भी तैयार हो रहे हैं, जिनमें वो थ्योरीज पेश की जाती हैं कि किस तरह इंसान यूरोपा के समंदर के नीचे जाकर खुद अपनी आंखों से ज़िंदगी तलाश कर सकता है। दोस्तों, इस मिशन का कुछ साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम अब यूरोपा के तखय्युल से बाहर निकलेंगे और इसके करीब से गुजरते हुए एक और चांद को देखेंगे। अगर यूरोपा पर बर्फ ही बर्फ है तो इसके हमसाए चांद पर आग ही आग है, और यही है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। हमारे निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा आतिश फिशां अगर किसी जगह पर हैं तो वो यही जुपिटर का चांद आयो है। आयो पर मौजूद आतिश फिशां सैकड़ों की तादाद में हैं और इनसे पिघला हुआ लावा उबलता रहता है। आग के ऐसे फव्वारे फूटते हैं जो दर्जनों किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो कई कई सौ किलोमीटर तवील खोलते लावे और पिघली चट्टानों की झीलें बन जाते हैं। हमारी ज़मीन पर भी लावे की कुछ झीलें हैं, लेकिन इतनी बड़ी झीलें, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या ये बेपनाह हैरत की बात नहीं कि आयो जो जुपिटर का चांद है, जो सूरज से 80 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसके करीब ही इसके साथी चांद पर 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह है, तो फिर इस पर जो तकरीबन उसी जगह है इतनी आग और इतनी तपिश क्यों? आखिर क्यों? आयो के साथ मसला ये है कि ये दो बड़ी ताकतों कुव्वतों के दरमियान फंस गया है। आयो का चांद दरमियान में है और इसके एक तरफ बेपनाह ताकतवर और कशिश वाला इसका अपना सैयारा मुश्तरी जुपिटर है और दूसरी तरफ यूरोपा और गिनीमेड के चांद है। सो एक तरफ जुपिटर की कशिश और दूसरी तरफ इन दोनों चांदों की कशिश, तो इन दोनों की कशिश से जो टाइडल मूवमेंट और खिंचाव मुसलसल आयो की सतह पर पैदा होता है, उससे इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, जो लावे और गैसेस की सूरत में बाहर निकलता है, और जो इससे बाहर निकलता है उससे आयो की फिज़ा में एक ऐसी गैस फैलती है जिससे बहुत से लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ये वही कंपोनेंट है जो हम ज़मीन पर ड्राई फ्रूट्स को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस आइडिया पर गौर कीजिए। बस 80-90 करोड़ किलोमीटर की एक पाइपलाइन ही तो बिछानी है आपको, और कुछ भी नहीं।
हाँ, अगर इस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको कुछ मजीद मालूमात चाहिए तो यूरोपा क्लिपर को लिख भेजें, क्योंकि यूरोपा के लिए जाने वाला स्पेसक्राफ्ट 3 से 5 बार आयो के गिर्द भी गर्दिश करेगा। हम जिंदगी की तलाश में करोड़ों किलोमीटर दूर आ गए हैं, लेकिन इस दहकते उबलते चांद पर तो जिंदगी क्या, पानी तक का कोई इम्कान नहीं। सो हम आयो और इसके सैयारे मुश्तरी को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जाने से कुछ पहले हम कुछ फासले से यहाँ से ज़रा रुक कर जुपिटर के हुस्न को एक बार फिर देख लेते हैं। क्या ही खूबसूरत रंगों से मुजयन सैयारा है और क्या ही खूबसूरत सुर्ख दायरा है। ये घूमता रंगीन दायरा नामालूम जमानों से ऐसे ही जुपिटर की सतह पर चक्कर खाए जा रहा है। ये दरअसल गैस का एक अजीम तूफान है जो सदियों से बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, थोड़ा थम जरूर रहा है, क्योंकि कभी ये इतना बड़ा था कि इस तूफानी दायरे में हमारी ज़मीन जैसी 3 ज़मीनें समा सकती थीं, लेकिन अब ये छोटा होकर एक ज़मीन जितना रह गया। ये तूफान क्यों है, इसकी तह में क्या है, ये और ऐसा और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। हम और भी बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो ज़रा दूर से एक बार फिर इसे देख लेते हैं, क्योंकि मंजर हो या वाक्या जितना बड़ा हो उतना फासले से ज़रा बेहतर समझ में आता है। ओह माय गॉड, जुपिटर से दूर, बहुत दूर, ये अरबों पत्थर, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्लाइंग रॉक्स जुपिटर के करीब एक दायरे में क्यों घूम रही हैं? ये क्या चक्कर है? ये मरीख और जुपिटर के दरमियान पत्थरों का घूमता हुआ दायरा है, इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स वो अरबों छोटे बड़े पत्थर हैं जो निज़ामे शमसी के कयाम के वक्त आपस में जुड़कर कोई बड़ा सैयारा या सैयारे नहीं बना सके, बस सूरज और जुपिटर की कशिश के दरमियान फंस कर रह गए, दायरे में घूमने लगे। लेकिन जुपिटर की जिन्नाती ताकत से ये कभी महफूज नहीं रहे। इसी ताकत के बायस कई बार एस्ट्रॉइड बेल्ट से कुछ पत्थर खिसक जाते हैं और सूरज की तरफ गिरने लगते हैं, फिर इनके रास्ते में जो सैयारा या चांद आ जाए उससे टकरा जाते हैं, और जिन सैयारों से टकराते हैं इनमें से एक हमारी ज़मीन भी है। 10 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर बड़ा एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराया था। उस वक्त हमारी ज़मीन जिंदगी से भर चुकी थी। ये बड़े बड़े डायनासोर्स घास के मैदानों में घूमते थे और जहाजी साइज के बड़े बड़े परिंदे हवाओं में पर तोलते थे। बस मैमल्स, मैमालिया जानवर ज़रा छोटे थे, बल्कि बहुत ही छोटे थे। ये हाथी, राइनोस, गेंदे, हिप्पोस, दरियाई घोड़े, इन जैसे बड़े बड़े मैमल्स अभी इवॉल्व नहीं हुए थे। वजह ये थी कि खुराक का बड़ा हिस्सा डायनासोर्स जैसे देवकामत जानवर खा जाते थे। ये 10 किलोमीटर बड़ा पत्थर जो दरअसल सूरज की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में हमारी ज़मीन से टकरा गया। जिस जगह ये ज़मीन से टकराया वहाँ से 1000 किलोमीटर चारों तरफ हर जिंदा शय ख़त्म हो गई। फिर इस धमाके से जो गर्द और आतिशी तूफान उठा उसने आसमान को घेर लिया और ज़मीन पर एक लंबी सर्द रात छा गई। इसे तारीख में न्यूक्लियर विंटर के नाम से जाना जाता है। इसी न्यूक्लियर विंटर के दौरान ज़मीन पर मौजूद 75% जानवरों की नस्लें ही ख़त्म हो गई। इनकी स्पीशीज़ अनवाह सफाए हस्ती से मिट गईं, एक्सटिंक्ट हो गईं। ख़ास तौर पर वो जानवर जो साइज़ में बहुत बड़े थे, किसी खो में या गार में छुप कर लंबी सर्द रात नहीं गुजार सकते थे और इन्हें खुराक भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी जो फिर दस्तयाब नहीं थी। सो वो सब ख़त्म हो गए। जब न्यूक्लियर विंटर छटी तो बड़े बड़े जानवरों के ख़त्म हो जाने से कुछ ही बरसों में ज़मीन पर खुराक इजाफी हो गई। छोटे छोटे मैमल्स को बढ़ने का मौका मिला और ज़मीन पर
जिंदगी ने एक और तरंग से करवट ली। इस वक्त जमीन पर मौजूद जिंदगी की हर शक्ल उसी हादसे के बाद की इर्तकाशुदा पैदावार है। तो दोस्तों, हर तब्दीली एक नए जहान को जन्म देती है और हर नया जहान अपने अंदर एक तबाही का बीज जरूर रखता है। ये कायनात की फितरत है, लेकिन आप बस ये सोचिए कि अगर जुपिटर की ग्रेविटी उस वक्त ये कर सकती थी तो क्या अब ऐसा नहीं कर सकती? हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। सो जिंदगी के हर लम्हे को जी भर के जिए और जीने दीजिए। हम एस्ट्रॉइड बेल्ट, सैयारों के बादशाह जुपिटर और इसके गर्म सर्द चांदों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ चलते हैं जहाँ मंजर बहुत ही दिलकश है। हम करोड़ों की गिनती से आगे निकल आए हैं। हमारे सामने वो सैयारा है जो सूरज से 1,49,00,000 किलोमीटर परे, 1.49 बिलियन किलोमीटर दूर है। हम इस स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ चलते हैं, लेकिन नहीं, ये स्पेसक्राफ्ट कैसिनी एक ऐसा काम करने वाला है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये एक ऐसे मिशन पर जा रहा है जिसके लिए इसे तैयार ही नहीं किया गया। लेकिन इस मिशन के लिए 19 मुल्कों के बेहतरीन दिमागों की मेहनत दांव पर लगी हुई है। ये मिशन क्या था और क्या ये कामयाब हुआ, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन कुल कायनात द यूनिवर्स सीरीज की नवी किस्त में, जिसके लिए आप यहाँ टच कीजिए। यहाँ जानिए यूरोपा का नाम आखिर यूरोपा क्यों है। ये रही वो कहानी जब आपको किसी ने सैयारे के शहनशाह जुपिटर में धक्का दे दिया था।